प्रिय छात्रों, इस वाले वीडियो में हम अखंड श्रेणी यानी कंटिन्यू सीरीज में इंटर क्वार्टर ट्रेनिंग निकालेंगे। इसमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहला हमारा काम क्या है, Q1 ज्ञात करेंगे। Q1 का फॉर्मूला है Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n/4 टी एच आइटम। पहले वाले फार्मूले के आधार पर हमें यह पता चल जाएगा कि क्वार्टाइल ग्रुप कौन सा है, और सेकंड वाले फार्मूले के आधार पर हमें यह पता चलेगा कि वास्तव में हमारा आंसर या एक्चुअल क्वार्टाइल वन कौन सा है। तो Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F Q1 माइनस C। अब एक उदाहरण ले लें जिसके आधार पर हम ये करेंगे। मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 8, 2, 5। हेडिंग रहेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इसमें तीन कॉलम के टेबल बनाएंगे, मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, सीएफ, मार्क्स। मार्क्स वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी एज पर क्वेश्चन 3, 7, 8, 2, 5। टोटल कर लेंगे n इज इक्वल टू 25। अब इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए पहली वाली सीएफ फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख देंगे सीएफ में, 3 + 7 = 10, 10 + 8 = 18, 18 + 2 = 20, 20 + 5 = 25। इसके सही होने की पहचान क्या है, n किसके बराबर होगा, लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। इसके बाद हम पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे, Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n/4 आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ n हमारा कितना है 25 डिवाइडेड बाय 4 आइटम, ये आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 6.25। अब ये जो 6.25 आ रहा है इसको हम कहां पर देखेंगे, CF में देखेंगे। 6.25 कहां पे आता है, 10 में आता है, इसलिए हमारा ये कंटिन्यूशन में ग्रुप रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहां भी कंटिन्यूशन में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो कंटिन्यूस सीरीज की पहचान, मार्क्स हमेशा ग्रुप में दिया रहता है और साथ में फ्रीक्वेंसी दी रहती है। अब ऐसी स्थिति में हमारा ग्रुप कौन सा आ गया, 10 टू 20, ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C। इसको इसमें मान इस वाले फार्मूले फिट कर देंगे, L1 हमारा हो गया 10 प्लस 20 माइनस 10, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 7, क्वार्टाइल वन नंबर कितना है 6.25 और हमारा C कितना है 3 - 3, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 10 प्लस 10 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 3.25, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 10 प्लस 32.5 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 10 प्लस, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट लगभग मान के चले 6 आ रहा है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14.6। ये आ गया हमारा Q1 मार्क्स। जिस प्रकार से हमने Q1 कैलकुलेट किया है उसी प्रकार से हम Q3 भी कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूले में कुछ नहीं है, जहां 1 है वहां हम 3 कर देंगे और यहां मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया जाएगा। ये आ जाएगा अपना Q3 इज इक्वल टू साइड ऑफ 3 n बाई 4 टी एच आइटम और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 18.75। फार्मूला Q3 इज इक्वल टू 1 की जगह 3 हम कर लेंगे, इसको पुट किया, पुट करने के बाद हम ये देखेंगे कि 18.75 CF में कहाँ आ रहा है। CF में हम देखेंगे
18.75 20 में आ रहा है, 18.75। इसलिए ग्रुप क्या आ जाएगा, L1 L2 इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 और C का मतलब प्रीसीडिंग वाला, ये कहलाएगा इसका C। देखें 10 ये आ गया 30 प्लस 40 माइनस 30, फ्रीक्वेंसी इसकी दी है 2, क्वार्टर 3 जो हमने कैलकुलेट किया है 18.75 और C हमारा 18 है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने पे आ जाएगा इजुकल टू 30 प्लस 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 0.75, ये आ जाएगा 30 प्लस ये आ गया 7.5 डिवाइडेड बाई 2 और इजुकल टू 30 प्लस ये आ जाएगा लगभग 4 अप्रॉक्स मान लेते हैं, कैलकुलेट से एग्जैक्ट निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 34 मार्क्स। क्वार्टर 1 क्वार्टर 3 के आंसर कैलकुलेट करने के बाद हमारा काम क्या रहेगा, इंटर क्वार्टर रेंज का फार्मूला लगा देंगे। इंटर क्वार्टर रेंज का फार्मूला क्या है, IQ3 इंटर क्वार्टर रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। अब Q3 हमारा कितना है 34 और Q1 कितना है 18.75, इसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा लगभग 15.25, ये आपका IQR कहलाएगा, इंटर क्वार्टर रेंज। चूंकि प्रश्न में मार्क्स दिया था इसलिए मार्क्स ये आ जाएगा। अब यदि कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट का फॉर्मूला आंसर ऑफ Q3 माइनस आंसर ऑफ Q1, Q3 प्लस Q1 जो ऑलरेडी लिख चुके हैं उसको एज इट इज लिख लेंगे, 34 माइनस 18.75 और ये आ जाएगा 34 प्लस 18.75, कैलकुलेट किया इसका आया 15.25 और ये आ जाएगा 18 और 34 34 16 50 50 दो 52 52.75 इसको डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर से तो ये लगभग मुझे लगता है नियर अबाउट 3 समथिंग आएगा, IQR इज इक्वल टू 3.5 जैसा भी है, ये अपना मार्क्स कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट ये कोफिशिएंट ऑफ IQR क्या है। अब कंटिन्यूस सीरीज करने के बाद फिर वही टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, यहाँ पर हम उसको डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम मीन में भी कर चुके हैं, मीडियन में भी कर चुके हैं, मोड में भी कर चुके हैं और क्वार्टर 1 क्वार्टर 3 जब हमने सेपरेट किया था तब भी कर चुके हैं। केवल आपको समझा दिया जाएगा कि अखंड श्रेणी 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 व्हेन क्वेश्चन इज गिवन इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 घटाया जाएगा और 0.5 जोड़ा जाएगा। जब दूसरा क्वेश्चन दिया है मिड वैल्यू में दूसरा मेथड का, तो ऐसी स्थिति में डिफरेंस याद करेंगे, जो आइटम दिया रहेगा उसके अंतर को में अंतर याद कर लेंगे, अंतर घटाने पर अंतर का आधा घटाने पर L1 और अंतर का आधा जोड़ने पर L2 की प्राप्ति होगी, फ्रिक्वेंसी एज इट इज लिख दिया जाएगा। तीसरी मेथड है जब सवाल ब्लो में दिया गया हो, इसके अंतर ये देखेंगे कि फ्रिक्वेंसी यदि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तो चेंज करेंगे और जिग जिग दिया हो तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। पद परिवर्तन करने के लिए नियम क्या है, जो आइटम दिए रहते हैं वो L2 डिफरेंस घटाने पर L1 की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज प्राप्त हो जाता है। जब सवाल का पहला पद समान दिया गया हो तो ये मानेंगे कि पहला पद दिया ही नहीं गया है और समस्त बिलो के नियम अपनाएंगे। और पांचवी मेथड है जब सवाल मोर देन में दिया गया हो तो जो आइटम दिए रहेंगे वो L1 कहलाएगा, अंतर घटाने पर हमें L2 की प्राप्ति होगी और फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ते और घटते क्रम में होगी तो उसको परिवर्तित कर देंगे। थैंक यू।